क्या आप जानते हैं कि पीठ की अकड़न और दर्द अब खाली एक बढ़ती उम्र की परेशानी नहीं रह गई है और बहुत सारे यंग लोगों को भी परेशान कर रही है। मैं डॉक्टर आमोद एक पेन स्पेशलिस्ट हूँ एंड आई वर्क एट द मैक्स हॉस्पिटल इन दिल्ली एज द हेड ऑफ द पेन मैनेजमेंट सर्विसेज। आज हम पीठ के दर्द के बारे में और खास करके जोड़ों से उठने वाले दर्द के बारे में बात करेंगे। पीठ का दर्द वैसे तो बहुत ही कॉमन कंडीशन है, अगर हम किन्हीं भी 10 लोगों को ले लें तो उनमें से 7 से 8 लोगों को ये ज़िंदगी में कभी ना कभी परेशान ज़रूर करेगा। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और उसमें से एक कारण है जोड़ों से उठने वाला दर्द। जी हाँ, स्पाइन के अंदर बहुत सारे जोड़ होते हैं। स्पाइन बहुत सारी हड्डियों के मिलने से बनता है और जहाँ पे 2 हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पे जोड़ बनते हैं। तो स्पाइन के अंदर बहुत सारे जोड़ हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इन जोड़ों में घिसाव की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से दर्द होता है। ज़्यादातर लोग इसको डल एक या हैवीनेस या भारीपन की तरह महसूस करते हैं जो उनको खास करके तंग करता है सुबह के समय, जैसे कि बेड से उठते समय सीधा होने में परेशानी होना या सुबह सुबह पीठ के दर्द की वजह से नींद खुलना या अपनी जब भी कोई प्रोलॉन्ग्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, गोल्फ या लॉन्ग वॉक्स, तो पीठ में एक अकड़न और स्टिफनेस आने लगती है जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। बहुत बार ये दर्द पीठ से होता हुआ पटक और थाई के पिछले हिस्से में भी जाता है और इस आर्थराइटिस को डायग्नोस करना और ट्रीट करना कई बार सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि लोग इसको एक बढ़ती उम्र की निशानी समझ लेते हैं और समझते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। बहुत बार जब हम MRI जैसी इन्वेस्टिगेशंस भी कराते हैं तो उसमें भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और इनको मिस कर दिया जाता है। बहुत बार मैं जब अपने मरीजों को देखता हूँ तो मुझे रेडियोलॉजिस्ट से जा करके खास करके डिस्कस करना पड़ता है कि और क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्योंकि MRI की रिपोर्ट के अंदर इन चीज़ों को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इनसे ज़्यादा दर्द नहीं उठेगा। अगर आपकी MRI रिपोर्ट में फैसेट आर्थ्रोपैथी या फैसेट हाइपरट्रॉफी लिखा है तो इसका मतलब है कि इन जोड़ों में परेशानी है। हाँ, लेकिन हर आर्थराइटिस वाला जोड़ दर्द नहीं करता है, इसीलिए बहुत बार हमें इंजेक्शंस की मदद लेनी पड़ती है ये जानने के लिए कि क्या इन जोड़ों से आपका दर्द उठ रहा है या नहीं। स्पाइन के जोड़ों से उठने वाले दर्द के ट्रीटमेंट का एक सक्सेसफुल ऑप्शन है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में हम खास तरह की सुइयों को एक्सरे में देखते हुए उन जोड़ों के पास तक ले जाते हैं और जब वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाती हैं तो उसमें स्टिमुलेशन डाल के उनको चेक किया जाता है कि क्या ये जो नसें हैं जो जोड़ों से दर्द ले जा रही हैं उनके पास तक पहुंच गई हैं, और जब उसका जवाब हाँ मिलता है तो हम उन नसों पे रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट करते हैं। उन नसों के एक छोटे से हिस्से पे ट्रीटमेंट करने से जो आपका दर्द का सिग्नल उन जोड़ों से उठ के दिमाग तक जा रहा है उसमें कमी आ जाती है या वो बिल्कुल बंद हो जाता है, और ऐसा करने से आपके पेन में रिलीफ आ जाता है। ये रिलीफ लंबा भी रह सकता है, 1 साल 1.5 साल, कई बार उससे भी ज़्यादा। तो ज़रूरी है कि अगर आपकी पीठ में अकड़न है या स्टिफनेस और दर्द है जो कि आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट की तरह आ रही है और आपको अपने गोल्स अचीव करने में प्रॉब्लम दे रही है या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर रही है, तो उसको एक बढ़ती उम्र का रूप समझ करके इग्नोर ना करें और उसकी ट्रीटमेंट के लिए विकल्प है। ज़रूरी सिर्फ ये है कि आप एक पेन स्पेशलिस्ट से राय लें और उनके दिए हुए सुझाव को फॉलो करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको उससे ज़रूर रिलीफ मिलेगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.